तो आज की बजाएंगे, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके सामने ऐसे ईमानियत अखलाक, ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि किसी ने जो है वो एड्स चलाया है और टारगेट किया, वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पॉन्सर एड। स्पॉन्सर एड्स जो आ रहे होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई अपनी सर्विस दे रहा होता है, कोई अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहा होता है, वो आ रहे होते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैंने उसकी वॉल्यूम पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास स्पॉन्सर आ रहा है, अब ये जो है एडवर्टाइज करवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा कुरान है, ये प्रोडक्ट करवा रही है, मेरे पास स्पॉन्सर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी एड स्पॉन्सर वगैरह आते हैं तो आप वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट से भी आइडिया ले सकते हैं कि ये आइटम जो है ये सेल हो रहा है, तभी जो है वो एड्स चलाया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा आप ये देखना आपके पास लेफ्ट भी स्पॉन्सर बने हुए आ रहे होते हैं, तो आप इनको भी जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह है। अब मैं अगर कंट्रोल क्लिक करके खोल लेता हूँ तो इस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट को चेक कर लूँगा क्या ये दे रहा है। तो आपके पास स्पॉन्सर एड आपके पास वॉल पे भी आ रहे होते हैं, आपके पास साइड्स पे भी आ रहे होते हैं, इस तरीके से राइट पर, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं कौन सा आइटम सेल कर रहा है, तो ये आइटम भी आप छोड़ ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास सेव कर लें और मार्केट में आकर इसको आप सोर्स कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी बातचीत कर सकते हैं कि ये आइटम मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये होता है कि आप गूगल पर जाए लिखें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ऊपर ये पास पहला लिंक आएगा एड्स लाइब्रेरी, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, तो ये इससे किसी भी आपकी वेबसाइट पर ले गया, आपकी क्या है आप इससे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आप लिखें, अच्छा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ये है कि कोई भी जो है वो एड्स चलाता है तो वो सारा डाटा जो है वो एड्स लाइब्रेरी में शो हो जाता है, यानी कि अगर किसी ने एक महीने पहले एड्स चलाया होगा वो सारा यहाँ शो कर रहा होता है आप लोग। तो एड्स लाइब्रेरी में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से लोग जो है वो किस प्रोडक्ट पे एड्स चला रहे हैं, तो आपको भी इससे आइडिया हो जाएगा कि तो ये जिस पे ऑर्डर आ रहे होंगे ऐसी एड्स चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑल, ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तान में एड चला रहे हैं, आप यूएस में चला रहे हैं तो आप यूएस सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पाकिस्तान और यहाँ पे करूंगा ऑल, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट कर आप दूसरा सेल करना चाह रहे हैं तो आपको दूसरा पे एंटर कर दिया। अब जूसर कीवर्ड सर्च करेगा, ये जितने भी लोगों ने जूसर पे एड्स चलाए होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब देखिए जूसर लिखा तो इसने सब कुछ शो कर दिया, कौन कौन ये जो है वो जूसर पे एड्स चला रहे हैं। अब ये थोड़ा बफर कर रहे हैं तो ये सारी आपको जूसर की वीडियो मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, किसी को भी एक को खोलना है, आप ये देखेंगे जूसर बनने सेल कर रहा है, क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू एड्स पे, ठीक है। अब ये ब्लेंडर जो और लोग भी सेल कर रहे होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, हाँ या ये अगर ये ब्लेंडर 5-6 लोग सेल कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम भी इस पे एड चला सकते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है जब आप एड्स चलाने जा रहे होते हैं, तो खैर ये उसमें आप समझाया जाता है, लेकिन ये कि आप प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके पेज पर आके आप देखें ये सेल कर रहे हैं, अब ये हो गया, इसको पैक करते हैं, ये देखें ये इसका पेज आ गया, ठीक है। यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं इससे पहले क्या क्या जो है वो एड्स चलाएँ, ठीक है। ये हो गया आपका, और यहाँ पे आ जाएँ दोबारा एड्स लाइब्रेरी पे, यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे कि अभी बकरा ईद आ रही है, तो अगर मैं यहाँ ई लिखता हूँ तो ई से क्या होगा, जिन लोगों ने अपनी एड्स में ईद अप्लाई ईद का वर्ड अप्लाई किया होगा वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो इससे भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये लोग जो है वो ईद में क्या क्या आइटम्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे किसी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, फिर आप जाके देखें उनकी पेज पर जाएँ, उनके एड्स पर जाएँ, यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि आप चेक करना चाह रहे हैं यार कि मुझे रिसेंटली जो है वो मई से लेके आज क्या चौड़ा जो मई से लेके आज तक चौड़ा इतने भी एक महीने के अंदर में आप दिखा दो, ठीक है। ज़्यादा ओल्ड ना करें, कि ज़्यादा ओल्ड में ये होता है कि वो इन लोगों ने इतना एड चलाया हो कि वो प्रोडक्ट्स ही लोग जो है वो सेल कर चुके हैं, तो आप एक हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि इन लोगों ने कितना प्रोडक्ट चलाया है, इन लोगों ने इस प्रोडक्ट पर कितना एड्स चलाया है, ये भी आप जाके हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें कितनी ढेर सारी जो है वो कुछ लोग सर्विस दे रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ लोग डील सेल कर रहे हैं अपनी, तो इस तरीके से आप जाके जो है वो पूरा डाटा चेक कर सकते हैं इनका कि कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बेहतरीन मेथड है, और मेरे ख्याल से ये जो है आपका ठीक है ऑनलाइन एड्स का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारा रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एड्स में हमारे पास यही है, ठीक है, अपने ये जूली वगैरह सेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जाके जो है वो देख सकते हैं।